साधना कर रहे हैं वही समझ सकते हैं। जब आप साधना करोगे उच्च श्रेणी की, तभी आपके ये विचार समझ आने लगेंगे, फिर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप 2 घंटे उस परमात्मा की साधना में बैठते हैं, ध्यान करते हैं उस परम तत्व का निर्विचार हो करके, फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ भी बड़ी चीज़ें नहीं है समझने के लिए आप लोगों के लिए। मैं बोलता हूँ तो शब्द वहीं पहुँच जाएगा आपका, वहीं जा करके विचार खड़ा हो जाएगा और शब्द के ऊपर पकड़ मजबूत हो जाएगी और श्रुति साथ साथ उड़ने लगेगी। लेकिन जो शुरुआत के साधक हैं वो इस प्रकार से समझो, जैसे छोटा बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, जब वो पढ़ाई शुरू करता है तो वो वर्णमाला इंग्लिश की और हिंदी की या जो भी भाषा है सब भाषाओं की वर्णमाला का उपयोग करता है, और वो फिर क्लास जब पास हो जाता है तो उसको डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। तो आप ये देखो कि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे, पेपर के लिए जाओगे, कहीं नौकरी के लिए जाओगे, तो आप सब की सब पुस्तकें उठा करके जाओगे या वो डिग्रियां ले करके जाओगे। मुझे ऐसा कोई नज़र आया नहीं जो सब की सब पुस्तकें उठा करके पहली से लेकर के पीएचडी तक की बांध करके पुस्तकों को गाड़ी में और जाए और बोले कि मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ जी, ये पुस्तकें मैंने पढ़ रखी हैं। आपने सुना हो देखा हो तो मुझे बताइए कभी, क्योंकि वो जाएगा अपनी डिग्रियाँ लेकर के कि ये मेरी डिग्रियाँ हैं। वो डिग्री देखते ही वो सामने वाला भी समझ जाएगा इन्होंने इतना अभ्यास किया है, इतनी पढ़ाई की है, ये पढ़ाई में अच्छा है, मीडियम है, कमज़ोर है, वो डिग्रियां देखते ही समझ जाएगा, फिर वो सवाल करेगा। तो उसी प्रकार से हम साधना में जो शुरुआती साधना है कि मूर्तियों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, चर्च को, गुरुद्वारों को अगर वही उठा उठा करके घूमेंगे तो आप समझिए आप कितने कमज़ोर विद्यार्थी हैं। जब तक पुस्तक हमें याद नहीं हुई, डिग्रियां नहीं पढ़ी, तब तक हम पुस्तकों को अगर गिर जाए तो उठा करके उसको माथे से लगाते हैं या उससे माफ़ी मांगते हैं, अपने अपने भाव की बात होती है, या उसको साफ करके फिर से देखते हैं फटी तो नहीं, पूरा ध्यान रखते हैं। अगर वो पूरी हो गई तो बहुत सी पुस्तकें रद्दी के भाव बेच दी जाती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार से जब आपको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, स्वयं की खोज हो जाएगी, आप उस अनंत परमात्मा तक पहुंच जाओगे, उस परम तत्व तक पहुंच जाओगे, तो ये जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, जो साधना की विधियां हैं, जो कुछ भी आपने किया है, जो कुछ प्रयास कर रहे हो, इनको उठाए कौन घूमेगा, फिर क्या आवश्यकता रहेगी, क्यों इनकी ज़रूरत रहेगी, वहाँ किसको दिखानी है। क्योंकि जिसको दिखाना था, जिसको पाना था, उसने तो डिग्रियां दे दी। ये समझो आप, परमात्मा है वो डिग्री है, मूर्तियां हैं, वस्तुएं हैं, ये पुस्तकें हैं। तो आप पुस्तकों को उठाए घूमोगे या डिग्रियों को? अगर पुस्तकों को पढ़ना हमारा लक्ष्य है तो हम सही दिशा के अंदर हैं। अगर पुस्तकें ही हमारा लक्ष्य है कि हमें डिग्रियां नहीं चाहिए, बस पुस्तकें मिल गई, तो आपको कौन नौकरी लगाएगा, कौन कामयाब करेगा, आपको कैसे जीवन चलेगा, आप लोगों का कैसे परिवार चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये
इतना इस प्रकार से जब आपको समझ आने लगेंगी वस्तुएं, तो आपकी साधना आरंभ हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लोगे। फिर आप इनके पीछे भागना थोड़ा कम कर दोगे, क्योंकि जिसको समझ में आ गया, जिसको परमात्मा चाहिए, कर्म कांड उसके रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन है, क्योंकि कर्म कांड वहाँ तक लेकर के नहीं जाता, नाम वहाँ तक लेकर के नहीं जाता, वो भी एक स्थिति में आकर के मौन हो जाता है, वो भी रुक जाता है। मन में नए प्रश्न पैदा हो जाएंगे कि हम तो नाम हमारा तो बंद ही हो गया, हमें तो मिल गया होगा परमात्मा। ये बड़े गहरे खेल हैं। परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं उठाएंगे, आपको पकड़ा देंगे और आप उसके साथ मन मर्जी का मन माफिक व्यवहार करोगे और उसके साथ वैसा ही जैसा आप सांसारिक लोगों के साथ करते हो वैसा ही करोगे। वो परम तत्व न भूख लगती है, न भोजन की आवश्यकता होती है। मैं जब गहराई में जा करके सोचता हूँ, मैं एक पुस्तक देख रहा था, उसमें लिखा था कि वो अल्लाह जो बोलता है वो हो जाता है। तो मैं सोचा, बहुत विचार किया कि क्या वो बोलता है जो हो जाए, और क्या उसको आवश्यकता है बोलने की, और क्या वहाँ विचार है, क्या वहाँ शब्द है, क्या वहाँ भी ये बोलना सुनना करना। अगर ये हुआ फिर भोजन की भी आवश्यकता होगी, फिर लोग बोलेंगे कि भोजन वहाँ नूरी होता है, प्रकाश का भोजन होता है, प्रकाश के शरीर होते हैं। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ, वहाँ न प्रकाश है न अंधेरा है, क्योंकि अगर आपको प्रकाश का भी अनुभव है तो अभी शेष है पाना, और आगे जाना होगा। अगर आपको मंजिलों का अनुभव है, ब्रह्मांडों का अनुभव है, चढ़ाई का एहसास हो रहा है, तो अभी और चलना होगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ ठहर जाता है। वहाँ ना आना होता है, ना जाना होता है, न कुछ करना होता है, न खाना होता है, न पीना होता है, वहाँ आवश्यकता ही नहीं रहती किसी भी वस्तु की, वहाँ वस्तु होती ही नहीं, सब वस्तुएं उसके अंदर हैं, सारा ब्रह्मांड उसके अंदर है, लेकिन वहाँ कोई वस्तु ही नहीं होती।